साथियों, कल मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें लोग भाग भाग करके मंच पे चढ़ जाते थे, तो मैंने पूछा भाई ये हुड़दंग क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। अब जिस पार्टी का ये हाल हो वो आपका भला कैसे कर सकते हैं? साथियों, आपने देखा होगा हफ्ते पहले कांग्रेस के एक दिग्गज नेता, देखिए भाइयों अब जगह नहीं है, आप जहां है वहां अब मुझे देख नहीं पाओगे, सुन लीजिए बस, और ये स्क्रीन वगैरह लगाए हैं, वहां अगर कुछ दिखाई देता है तो उसी के सहारे काम करना पड़ेगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे बोलना शुरू करूं, तो आपकी इजाजत है? कांग्रेस के एक दिग्गज नेता जो कांग्रेस के शहजादे पर जिनका पूरा पूरा कंट्रोल है और वो एक प्रकार से कांग्रेस के शहजादे के कमांडो की तरह काम कर रहे हैं, तीन चार दिन पहले वो ट्वीट करते थे मोदी को भला बुरा कहना ये उनका काम होता है, तो वो लगातार कह रहे थे निवर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब ठीक है, उनको मजा आता था, करते थे, मैं कुछ बोलता नहीं था, लेकिन अभी चौथे और पांचवें चरण के मतदान के बाद उन्होंने निवर्तमान वाला जो मजाक उड़ाते थे वो भी मजाक करना छोड़ दिया है। मतलब एक कमांडो ने भी मान लिया है कि देश की जनता मोदी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय कर चुकी है।